ये बात उस समय की है जब लोगों के घरों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे। क्रिकेट भी तब आज की तरह इतना ज़्यादा नहीं होता था, साल में कुछ एक मैच होते थे जिसके चलते लोगों में भारतीय टीम के मैच को लेकर काफ़ी उत्साह बना रहता था। आज हम उसी दौर के एक क्रिकेट किस्से को आपके बीच में लाए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानव, आप देख रहे हैं जनता शो। साल था 1996, ये वो साल रहा जब भारत में तीन देशों, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच टाइटन कप के नाम से एक ट्रायंगुलर टूर्नामेंट खेला जा रहा था। इस टूर्नामेंट के एक लीग मैच में पूर्व भारतीय गेंदबाज जवागल श्रीनाथ द्वारा बल्ले से विरोधी टीम को ऐसा धोया गया था कि विरोधी टीम भी नाको चने चबाने को मजबूर हो गई थी। तारीख थी 21 अक्टूबर और दिन था दशहरे का। बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में दर्शकों की भारी भीड़ दिखाई दे रही थी। लीग मैच में सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में टीम इंडिया और मार्क टेलर की कप्तानी में ऑस्ट्रेलियाई टीम डे नाइट मुकाबले में आमने सामने थी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मार्क टेलर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से गेंदबाजी की कमान उस समय की सबसे बेहतरीन बॉलिंग जोड़ी श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद ने संभाली। पारी शुरू हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि प्रसाद की तेजी से अंदर आती हुई गेंद को मार्कवा समझ नहीं पाए और कंगारुओं को पहला झटका लगा। उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया को मैदान पर टिकने नहीं दिया। कंगारुओं के नियमित अंतराल पे विकेट गिरते रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और खब्बू ओपनर मार्क टेलर एक छोर पर खूंटा टांगे जमे रहे और उन्होंने अपने वनडे करियर का पहला और आखिरी शतक जड़ दिया। आखिरी इसलिए क्योंकि इसके बाद वो कोई शतक नहीं जमा सके थे। उन्होंने उस मैच में 105 रन बनाए। टेलर के शतक की बदौलत कंगारू टीम निर्धारित 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 215 रन ही बना सकी। अब बारी भारतीय बल्लेबाजों की थी। भारतीय पारी की शुरुआत सुजीत सोमसुंदर और कप्तान सचिन तेंदुलकर ने की, लेकिन सुजीत केवल 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके बाद बल्लेबाज आने और जाने में ही लगे रहे, यानी कोई भारतीय बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा था। कप्तान सचिन तेंदुलकर अकेले क्रीज पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों से लोहा लेने में जुटे रहे थे। अजय जडेजा ने हालांकि तेंदुलकर के साथ मिलकर साझेदारी जमाने की कोशिश की, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट में तेंदुलकर के साथ थोड़ी गलतफहमी हो गई और विकेटों के बीच तेज दौड़ के लिए मशहूर जडेजा भी 27 रन बनाकर रनआउट हो गए। जडेजा आउट हुए तो पूरे भारत की नजरें मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर पर आकर टिक गई, लेकिन सबकी उम्मीदें उस वक्त खत्म हो गई जब तेंदुलकर 88 रन बनाकर आउट हो गए। सबको लगा कि अब भारत को हारने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जिस वक्त सचिन आउट हुए उस समय टीम का स्कोर था 164 रन और उसके 8 विकेट पवेलियन में जा चुके थे। विकेट बचे थे सिर्फ 2। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि भारत बाकी के बचे 52 रन बना लेगा। सबको लगा कि अब तो मैच में सिर्फ फॉर्मेलिटी ही बाकी है, लेकिन शायद सभी लोग उस दिन गलत थे। मैच में अभी काफ़ी कुछ होना बाकी था। क्रीज पर आए जवागल श्रीनाथ और अनिल कुंबले ने एक दूसरे के दस्तानों को ऐसे छुआ मानो कह रहे हैं कि हम आसानी से कर लेंगे। दोनों ने बेहद संभल कर खेलते हुए स्कोरबोर्ड को फिर से चलाना शुरू किया। इस जोड़ी का बनाया हर एक रन लोगों के बीच में भारतीय टीम की जीत का विश्वास पैदा कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को बेहद सटीकता से खेलते हुए दोनों भारतीय बल्लेबाज स्कोरबोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ाते गए। अब रन चाहिए थे 36 और बॉल बची थी 31। बस यहीं से ही मैच का रुख तेजी से पलट गया। जवागल श्रीनाथ ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से स्ट्रेट सिक्स मारा, जैसे रन और बॉल का फासला मिट गया। इसके बाद दोनों ने तेजी से बल्ले घुमाने शुरू कर दिए और इसी का नतीजा ये हुआ कि भारत ने 216 रन का लक्ष्य 49वें ओवर में ही प्राप्त कर लिया। जवागल श्रीनाथ 23 बॉल में 30 रन और अनिल कुंबले 19 बॉल में 16 रन बनाकर नाबाद रहे। ये पूरा मैच ऐसा रहा जिसने भारतीय टीम के साथ साथ भारतीय दर्शकों की भी सांसों को रोक कर रख दिया था, पर आखिरकार कुंबले और जवागल श्रीनाथ के एफर्ट्स की वजह से भारत को जीत मिल गई।
पूरे आसमान में पटाखे फूटते दिखाई देने लगे। ऐसा लगा मानो हिंदुस्तान ने दशहरे के दिन ही दिवाली सेलिब्रेट कर ली थी। बाकी आपको हमारा ये किस्सा कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। कोई अगर सुझाव आपके मन में हो तो आप वो भी बता सकते हैं। वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। फॉलो का ऑप्शन दिखाई दे तो फॉलो भी कर सकते हैं। कैमरे के पीछे थे मोंटू और मेरा नाम है मानव। वीडियो आपने देखी, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।